गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन टूडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल द चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल और फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बहुत सिंपल सा है आप लोग देखिए कैपिटल लेटर हम हमेशा यूज करते हैं जब हम सेंटेंस को बिगन करते हैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग का जैसे मैंने लिखा आई एम स्टडी तो ये हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग का पहला अल्फाबेट आई वैसे आई हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है ये सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में फुल स्टॉप फिर राहुल इज स्लीपिंग अगेन राहुल पहला वर्ड है सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट आर कैपिटल सेंटेंस खत्म फुल स्टॉप कैपिटल लेटर्स हम वहां वहां इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल किसी का भी हम नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स स्टार्ट करते हैं उसका सर नेम लिखते हैं तो भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं जैसे राज कुमार सो so, राज उसका नाम है सोहार कैपिटल कुमार उसका सर नेम है यानी कि हमारा सेकेंड नेम सो so, के कैपिटल मंथ्स के नाम हम जब लिखेंगे जैसे जनवरी मार्च तो भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल डेज का नाम लिखेंगे जैसे मंडे ट्यूसडे. फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रिवर्स का नाम लिखेंगे जैसे गंगा यमुना तो भी फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कंट्रीज का नाम लिखेंगे जैसे इंडिया अमेरिका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल सिटी का नाम लिखेंगे जैसे प्रयागराज कानपुर पहला अल्फाबेट कैपिटल स्टेट का नेम लिखेंगे जैसे केरला उत्तर प्रदेश पहला अल्फाबेट कैपिटल किसी बिल्डिंग का नाम लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे जैसे दैनिक जागरण हिंदुस्तान टाइम बिल्डिंग का नाम फॉर एग्जांपल द ताजमहल द इंडिया गेट तो इन सब नामों को जब हम लिखते हैं तो उनका पहला अल्फाबेट हम कैपिटल में लिखते हैं So, इसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सीमा वेंट टू कानपुर लास्ट संडे एंड यस ये कैपिटल लेटर्स की बात हुई फुल स्टॉप हम हर सेंटेंस को जब खत्म करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं सीमा वेंट टू कानपुर लास्ट संडे सीमा एक नाम है सो एस कैपिटल कानपुर एक सिटी का नाम है सो के कैपिटल और संडे एक दिन का नाम है सो एस कैपिटल ओके So, यहाँ पे तीन जगह हमने चेंजेस किए सीमा कानपुर एंड संडे ये हमने कैपिटल में लिखा रमन इनवाइटेड माला टू हिज बर्थडे पार्टी रमन एक नाम है सो आर कैपिटल माला भी एक नाम है सो एम कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप ये चेंजेस हमारे इस सेंटेंस में हुए कोलकाता इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता एक सिटी का नाम है सो के कैपिटल इंडिया एक स्टेट का नाम है सो आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप दे रेड द हिंदुस्तान टाइम सेंटेंस का पहला वर्ड है दे दे का पहला अल्फाबेट टी कैपिटल हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है सो एच एन टी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप ये है इसमें चेंजेस जनवरी मार्च मई एंड जुलाई हैव डेज जनवरी जे कैपिटल मंथ का नेम मार्च अगेन कैपिटल मे में एम अगेन कैपिटल एंड जुलाई में जे अगेन कैपिटल यहां पे हमने जनवरी मार्च और मे के बाद कॉमा क्यों लगाया है सॉरी जनवरी और मार्च के बाद कॉमा क्यों लगाया है क्योंकि हम तीन चार मंथ्स के नाम इकट्ठे ले रहे हैं सो जनवरी कॉमा मार्च कॉमा मे अब हम जब एंड लगाते हैं तो फिर उसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे एंड के पहले वाले शब्द के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे अगर हम एंड लिखेंगे तो जुलाई हैव डेज पहाड़ का नाम भी हम कैपिटल में लिखते हैं सो so, माउंट में एम कैपिटल एवरेस्ट में ई कैपिटल इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड लास्ट में फुल स्टॉप दिवाली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया दिवाली का डी कैपिटल क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ड है सो फर्स्ट एल्फाबेट इंडिया कंट्री का नाम है सो आई कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप द गैंज फ्लो इन टू द बे ऑफ बेंगाल रिवर का नेम है सो so द पहला वर्ड सेंटेंस का सो टी कैपिटल गैंजस इज अ नेम ऑफ रिवर यानी कि रिवर गंगा जी कैपिटल एंड बे ऑफ बेंगाल ऑल्सो बी एंड बी कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप आई लाइक टू रीड द रामायण नेम ऑफ अ बुक सो आई कैपिटल बिकॉज फर्स्ट एल्फाबेट प्लस आई हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं रामायण इज अ नेम ऑफ अ बुक सो आर कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप सो ये था चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव जिसमें हमने सीखा कि हम कैपिटल अल्फाबेट कौमा फुल स्टॉप कहाँ और कैसे यूज करते हैं सो so, इसी के साथ आज हमारा चैप्टर नंबर ट्वेंटी फाइव कंप्लीट होता है एनुअल कोर्स आज इंग्लिश सेकेंड का फिनिश होता है दैट्स ऑल फॉर द टू डेज क्लास थैंक यू वेरी मच